रावलपिंडी इस्लामाबाद में बेशुमार हॉस्टल्स, लेकिन सहूलतें सिर्फ नाम को हैं। मुल्क भर से तालीम और रोजगार के सिलसिले में आने वाली खवातीन जो इन्हीं हॉस्टल्स को घर समझकर यहां रिहाइश पजीर हैं, तहफ्फुज के लिए परेशान दिखाई देती हैं। कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, यहां पे वर्किंग वुमेन लेडीज़ होती हैं, उनके काफ़ी इशूज़ होते हैं। अगर तो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हों तो वो ज़्यादा हर लिहाज से वो ठीक होता है। जुड़वा शहरों में सरकारी हॉस्टल्स की तादाद कम है, इसीलिए यहाँ ठहरने के लिए सिफारिश का चक्कर चलाना पड़ता है। कोई भी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं यूनिवर्सिटीज़ में, कोई यहाँ है नहीं हॉस्टल। यहाँ पे सिर्फ दो, हमारे कैपिटल में दो हॉस्टल्स हैं और वो भी इतने एक्सपेंसिव है कि किसी की सही अप्रोच हो वो वहाँ पे ले सकता है। इन हॉस्टलों में रहने वाली खवातीन की आधी से ज्यादा तनख्वाह किरायों में ही निकल जाती है। वो हुकूमत से शिकवे करती नजर आती हैं, कहती हैं मसाइल पर संजीदगी से तवज्जो देना होगी। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे हॉस्टल बनाए उसमें वर्किंग वुमेन भी रह सके, गर्ल्स भी रह सके और एक ऐसा माहौल रखे ना कि लड़कियां अपने आप को सेफ महसूस करें। जुड़वा शहरों में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक खवातीन के लिए रजिस्टर्ड हॉस्टल्स की तादाद 250 के करीब है। 1000 से ज्यादा हॉस्टल गैर रजिस्टर्ड हैं। ज्यादातर मसाइल इन्हीं हॉस्टल्स में देखने को मिलते हैं। कैमरामैन वकास महमूद के साथ मेमून आरिफ, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।